आपने नौसेना के युद्ध पोतों को कार्यरत देखा है, पर क्या कभी किसी युद्ध पोत पर गए हैं? स्वागत है आपका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता पर, भारतीय नौसेना का सबसे घातक और अग्रिम समुद्री योद्धा। लंबाई 164 मीटर और वजन 7400 टन। अपनी श्रृंखला का ये पहला युद्ध पोत मजगांव डॉक्स में निर्मित हुआ। ये आत्मनिर्भर भारत का एक शीर्ष उदाहरण है। कोलकाता का प्रवर्तीकरण अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ। तो चलिए सफर शुरू करें। जहाज पर पोत के ड्यूटी वॉच हमारा स्वागत कर रहे हैं। ये युद्ध पोत का हेलीकॉप्टर डेक है। आपने ये आवाज सुनी? ये उद्घोषणा है रोज सुबह 8 बजे होने वाली कलर्स सेरेमनी की। नौसेना के ध्वज व्हाइट एनसाइन को जहाज के पिछले हिस्से में, जिसको स्टर्न कहते हैं, और राष्ट्रीय ध्वज को जहाज में सबसे आगे, जिसको फॉक्सल कहते हैं, फहराया जाता है। आइए अब हम फॉक्सल से आगे बढ़कर इस पोत की विध्वंसकारी क्षमता को देखते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस SRGM से समुद्री जहाज, हवाई जहाज या फिर समुद्री सीमा पर हमला किया जा सकता है। आइए आगे बढ़कर चढ़ें मिसाइल डेक पर। यहां स्थापित है ध्वनि की गति से भी तेज घातक स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल्स, और उसके साथ स्थित है बराक 8, पोत से हवा में मारने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल्स, और इनके पीछे हैं स्वदेश निर्मित रॉकेट लॉन्चर्स, जो कि त्वरित रफ्तार से दुश्मन की पनडुब्बी पर आक्रमण करते हैं। अब आप देखिए गार्पून बल रेडार, जिससे जहाजों की जानकारी मिल जाती है। हमारे पास नेविगेशन रेडार्स भी हैं, और सबसे ऊपर है MF स्टार, जो एक साथ सैकड़ों हवाई टारगेट्स ट्रैक कर सकता है। इस पोत की विस्तारित मारक क्षमता में शामिल है 4 एंटी सबमरीन टोरपीडोज, 4 AK-630 गन्स, दुश्मन की मिसाइल को मार गिराने में इस्तेमाल होती है। पहुंच गए जहाज के पिछले हिस्से में। यहां 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स हैं, जिनमें सी किंग या चेतक हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था है। INS कोलकाता में करीब 400 नौसैनिक हैं, और उनके पोषण एवं सेहत का ख्याल रखने के लिए पूर्ण तरह से सुसज्जित कैली यानी किचन और डाइनिंग हॉल्स हैं, जहां सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। कोलकाता का ऑपरेशन थिएटर नौसैनिकों के अलावा बचाव एवं राहत गतिविधियों में रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए भी काम में आता है। जरूरत पड़ने पर बीच समुद्र में भी सैटेलाइट लिंक के जरिए स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेने की सुविधा है। जहाज में जगह जगह पर प्रदर्शित हैं स्मृति चिन्ह, जो याद दिलाते हैं कोलकाता के अजेय भाव, इतिहास, कौशल और महान धरोहर की। और अब अंत में हम आ पहुंचे हैं इस पोत के कमांड सेंटर, इसके ब्रिज पर, जहां से इस विशाल युद्ध पोत की सारी गतिविधियों का संचालन होता है। ब्रिज पर हर वक्त 24 घंटे कार्मिक सैनिक तैनात रहते हैं। नौसेना एक उत्तीर्ण सेवा है, और यह आपको मौका देती है कि आप अपनी आजीविका का रास्ता स्वयं चुनें और अपना लक्ष्य खुद निर्धारित करें। हमें बहुत खुशी होती अगर आपका साथ कुछ देर और मिलता, पर वक्त की पुकार है, दायित्व निभाने का समय है। कोलकाता शीघ्र ही बंदरगाह छोड़ देगा। अगर आपका अनुभव अच्छा रहा तो औरों को भी जरूर बताइए, और हमारे साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कीजिए।